So, hello all students, welcome to ASCAT class. My name is Arpit Soni, your DLR mentor. So, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? I hope आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी और साथ ही में मेरी साइड से और ASCAT की साइड से भी फुल तैयारी चल रही है आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. So, welcome to the series of 100 most expected DLR sets. And today we are going to solve set number 47 and we are very close to half century. Soon we'll be touching the target. Soon we'll be touching the aim that we decided when we started this series. आज का सेट किस पर बेस्ड है सर? आज का सेट मुझे काफी काफी मतलब एक नहीं काफी 10 से भी ज्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर ये CAT 2017 का PYQ है सर, जो कि टेबल्स पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? टेबल्स. टेबल्स कौन सा? DI वाली टेबल्स. ठीक है, अब जिसके मन में आ रहा है कि सर आप PYQs क्यों सॉल्व करा रहे हो, कुछ प्रैक्टिस सेट्स ही सॉल्व कराओ. अरे मेरे भाई, कुछ है, कुछ सेट्स अच्छे होते हैं जिनको डिस्कस करना मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा समझो कि ये दिस इज वन ऑफ द सेट्स जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर सेट इन दिस वीडियो. क्लियर द पॉइंट? अब अगर आपने इसको सॉल्व कर रखा है, नाइस. नहीं किया तो सॉल्व कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, कोई परेशानी नहीं होने वाली किसी को भी. अब बात करते हैं सर आज के सेट की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सर व्हाट्सएप चैनल की, क्योंकि इफ यू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल यू गेट द सेट्स. पहले आपको सेट मिल जाएगा ताकि आप उसको ट्राई कर सको और फिर अपन डिस्कस कर सके सोल्यूशन. दूसरी बात, आपको सर, आप तो सर हमको सारे सर ये जितने भी PDF थे सर सारे बता दो कि कहाँ मिलेंगे. सर नॉर्मल PDF भी और PDF विद एनोटेशंस, क्लास नोट्स विद एनोटेशंस, सब कुछ मिलना चाहिए सर. तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करो ASCAT ऐप, लॉग इन करो, एब्सोल्युटली फ्री है. फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा. बहुत आसान है ढूंढना. कितने पैसे में सर? ₹0, एब्सोल्युटली फ्री. ये जो डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब पर, इन्हीं की फाइल्स है सारी, ताकि आप पुराने सेट्स भी PDF से सॉल्व कर सको. क्योंकि वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अपन स्क्रीनशॉट लें, ये करें, डायरेक्टली PDF से देख सकते हैं. ठीक है, तो ASCAT डाउनलोड करो, गेम बहुत सिंपल है. दूसरी बात सर, सर दिन तो कम बचे हैं और कम दिनों को सही से यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है? 10-10 CAT लेवल मॉक्स जिनका शेड्यूल आप लोगों के सामने है. इफ यू बाय दिस 10 मॉक टेस्ट सीरीज देन यू हैव टू पे 249. 249 is a very, very, very affordable price for you guys because the life that you are trying to build is way, way, way more superior than this particular price tag. ठीक है, तो प्राइस कम है, आराम से 10 मॉक टेस्ट सीरीज की सीरीज टेस्ट सीरीज लो, उठाओ, सॉल्व करो, जो शेड्यूल्ड टाइम है, डेट्स हैं, उन पर टेस्ट को अटेम्प्ट करो, मजेदार लेवल की प्रिपरेशन करो. ठीक है, आइडिया बहुत लगता है कि कौन सा सेट हमारे लिए था, कौन सा नहीं था, और सिर्फ DLR की कैसा नहीं, दीज आर 10 फुल लेंथ मॉक्स. तो DLR, VARC एंड क्वांट्स सभी की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे. ठीक है, अब ये आपकी इच्छा थी, आगे बात करते हैं सेट की. दिस इज दीज आर द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना पहले. ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन. अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, इसका स्टार्टिंग का पार्ट तो सेम है, फिर ये वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है, फिर ये स्टार्टिंग का पार्ट तो सेम है, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है. तो थर्ड और फोर्थ ऐसे हो गए. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. फर्स्ट पार्ट है ये सेट का और ये है सेकंड पार्ट, और सेट खत्म. बस ये एक्चुअल CAT PYQ है. मैंने वही क्वेश्चंस लिए जो CAT के अंदर आए थे. ये सेट को मैं कितना रेट करूंगा? दिस इज अ मॉडरेट लेवल सेट, लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, दो इजी है, दो डिफिकल्ट है, एंड सेट इज मॉडरेट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन थोड़ी सी काम में लेनी पड़ेगी, थोड़ा नंबर्स के साथ पकड़ बैठानी पड़ेगी, तभी जाके सेट सॉल्व होगा जल्द से जल्द. ठीक है, चलो लेट्स रीड द डेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको अपन जज करेंगे कि सेट मेरे लिए है या नहीं है. A study to look at the early learning of rural kids was carried out in number of villages spanning 3 states chosen from northeast, west, south. Sir, rural kids ko lekar kuch survey kiya hai aur
थ्री स्टेट्स है हमारे सामने, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. 54 ईयर ओल्ड किड्स ईच वर सैंपल्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 150 विलेजेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, 250 विलेजेस फ्रॉम वेस्ट एंड 200 विलेजेस फ्रॉम साउथ. इसका मीनिंग क्या हुआ सर? 50 तो विलेजेस पता चल गए, नॉर्थ ईस्ट में कितने विलेजेस है 150, वेस्ट में कितने 250 और साउथ में कितने 200, और हर एक विलेज से कितने स्टूडेंट किड्स को अपन पकड़ रहे 50-50. कैसे पता लगा? 54 ईयर ओल्ड किड्स ईच, तो हर एक से. तो अगर बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में 150 × 50 तो टोटल किड्स कितने हो गए 7500. ऐसे ही बात करें सर वेस्ट की, तो वेस्ट में कितना है सर 250 विलेजेस इंटू 50 कितना होता है 12500. एंड साउथ की बात करें, साउथ में कितने विलेजेस है 200 × 50 कितना होता है 10000. तो टोटल किड्स कितने हुए सर? टोटल किड्स कितने हुए? इनका सम कितना आ रहा है 30000 आ रहा है. कितना आ रहा है? 30000 किड्स होने वाले. यस, इट वॉज फाउंड दैट ऑफ द 30000 सर्वेड किड्स जो अपन ने बात करी, 55% स्टडी इन प्राइमरी स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट जिसको जी लिख रही है, 37% इन प्राइवेट स्कूल जिसको ये पी लिख रहे हैं, वाइल रिमेनिंग 8% डिड नॉट गो टू स्कूल. तो सर मुझे विलेजेस के बारे में आइडिया लगा, और मुझे ये आइडिया लगा कि सर ये जो सर्वे किया है किड्स को, तो कितने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, कितने प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और कितने स्कूल ही नहीं जाते हैं. तो गवर्नमेंट स्कूल्स वाले कितने हैं 55%. 55% ऑफ 30000 कितना होता है 16500. कैसे निकाला मैंने फटाफट से? पहले इसका 50% निकालो. 55% कितना होता है? 50% प्लस 5%, इसका 50% कितना होता है 15000, और 5% कितना होता है 1500. दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा 16500. 37% किस में है? प्राइवेट स्कूल में. 37 × 3 111 होता है, तो 111000 और 8% मतलब कितना हो गया 2400 बच्चे 2400. तो सर मुझे आइडिया क्या लगा है? आइडिया ये लग चुका है सर कि रीजन्स वाइज मेरे पास कैटेगराइजेशन बाइफर्केशन मिल चुका है मुझे, और स्कूल्स वाइज भी मिल चुका है. ये टोटल डेटा की बात कर रहा हूं, मैं टोटल डेटा की बात करने वाला हूं. द किड्स सर्वेड वर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. मतलब सर टोटल किड्स इतने, इनका सम भी 30000 ही आएगा. श्योर, क्योंकि ये भी तो सेम ही किड्स है. तो किड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन वेदर देयर मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन और नॉट. क्या बात कही सर इसने, कुछ समझ में आया क्या आपको? मतलब सर जो किड्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. कैटेगरी वन क्या है? जिनकी मदर क्या है, ड्रॉप आउट ले चुकी है प्राइमरी एजुकेशन में, मतलब जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी और जिन्होंने कंप्लीट की थी अपनी प्राइमरी एजुकेशन. ये किसकी बात कर रहे हैं सर? दीज मदर्स की, इनकी मदर की बात कर रहे हैं कि इन किड्स को कैसे कैटेगराइज किया, वेदर देयर मदर हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन और नॉट. द टेबल बिलो, ये जो टेबल है क्या है सर, गिव्स द नंबर ऑफ किड्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स फॉर मदर्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन. तो सर ये टेबल किसकी है? ये टेबल उनकी है जिनकी मदर ने ड्रॉप आउट ले लिया था. और क्या है सर टेबल में? सर नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, और गवर्नमेंट में, प्राइवेट स्कूल में, और जो स्कूल नहीं जा रहे उन बच्चों का बाइफर्केशन गिवन है मुझे. देखा जाए तो टोटल बच्चे जिनके मदर ड्रॉप आउट कर चुकी है वो कितने हैं 18000. तो बच्चे वे 12000 किड्स वो होंगे ना जिनके मदर ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है. मतलब सर ये टेबल किसकी गिवन है मुझे? ये मुझे ड्रॉप आउट वालों की टेबल गिवन है. तो क्या इसकी टेबल मैं नहीं बना सकता? क्या बना सकता हूं? इसकी टेबल कैसे बनेगी सर? मेरे दिमाग में बैठ रहा है कि मेरे दिमाग में तीन टेबल बनेगी. एक मास्टर टेबल, मास्टर टेबल मतलब जिसमें सारा डेटा आएगा कि किड्स कौन से हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें सारे किड्स हैं. मास्टर टेबल से दो टेबल निकलेगी. एक टेबल तो मुझे गिवन है, कौन सी? ड्रॉप आउट वाली टेबल तो मेरे सामने है. और एक और टेबल कौन सी आएगी? वो वाली जिनकी मदर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है. जब ये सब कुछ चलेगा तो साथ में सब कुछ सेट हो जाएगा. पॉइंट क्लियर है? इतना मुझे आइडिया लग चुका है. तो ये प्रॉपर सर क्वेश्चन मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे आने के बाद? सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में मैं होता तो शायद इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करता. क्या रीजन सर इसके पीछे? सबसे पहली बात, मैं कैलकुलेशन से डरता नहीं हूं. दूसरी बात, डरने का मतलब ऐसे भयंकर नहीं डरता हूं, थोड़ा बहुत तो अपन को भी पता है कि
कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये सेट में सर सिर्फ नंबर्स है, सर सिर्फ नंबर्स है, सिर्फ नंबर्स है। इस सेट को मैं कब करूंगा, जब मेरे पास टाइम है या फिर मेरे पास कोई दूसरा अच्छा सेट नहीं मिल रहा। इस सेट को मैं कब करूंगा, जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है या मेरे पास कोई और दूसरा सेट करने को नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग सेट। समझना बात को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्लियर है अपन को इतना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जैसे 7500 टोटल है और ड्रॉपआउट में 5000 आ रहा है, तो रिमेनिंग किस में आएगा, उसमें आएगा। इतनी क्लैरिटी अपन को मिल रही है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है। सर क्वेश्चंस पे एक बार नजर घुमा लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स एस वर स्टडिंग इन पी, ठीक है। अमंग द किड्स इन डब्ल्यू हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइवेट एजुकेशन, हाउ मेनी वर नॉट इन द स्कूल, कितने स्कूल में नहीं थे, ठीक है सर। और सर इन अ फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड्स टू इयर्स लेटर, मतलब सर कंडीशनल क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, कंडीशनल क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं, तो क्या करें सर, अपन को पूरी टेबल बनानी ही पड़ेगी, अपन को पूरी टेबल बनानी ही पड़ेगी। समझ लो कि इसको अपन पूरी टेबल आसानी से कैसे बना सकते हैं। ये तीन टेबल मेरे पास है, एक ओवरऑल वाली है, एक ड्रॉपआउट वाली है, एक स्टडीड वाली है। स्टडीड मतलब जिनकी मदर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, जिनकी मदर ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। दिस वॉज द गिवन टेबल टू मी। सर टोटल बच्चे कितने हैं सर, 30,000 बच्चे हैं सर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं 7500, यहाँ पे कितने 12500, यहाँ पे कितने 10,000 है सर। गवर्नमेंट स्कूल में कितने पढ़ते हैं 16500, यहाँ पे कितने पढ़ते हैं सर, यहाँ कितने पढ़ते हैं बताओ ना जल्दी, 1100, यहाँ पे 2400 सर। इन दोनों का सम मिलके ये बनता है, इन दोनों का सम करोगे तो ये बनता है, देखो ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बनेगा, क्योंकि ड्रॉप आउट हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकती है प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पे 18,000 है, टोटल 30,000 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12,000 आ जाएगा क्या बच्चों। यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 2400 है, 24 में से 1800 गए, कितने बचे 600 सर। यहाँ पे 111, यहाँ पे 27 माइनस करो फटाफट से, हटाओ सर 20 हटाओ, इसमें से 7 हटाएं तो कितना बचेगा, 7 हटाओ इसमें से तो कितना होगा 104 हो जाएगा, तो 8400 ही आएगा, यस। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, सर 5 से 5 गया, 3 में से 6 गया, 2000 आ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है 8 9, 2 क्यों आएगा यहाँ पे, तो 3 आएगा ना, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, 9 3000, ठीक है। दिस वॉज सिंपल, 7500 टोटल है, 5000 यहाँ पे, तो 2500 यहाँ पे आ जाएगा, 12500 यहाँ पर है, और यहाँ पे 7300 है, यहाँ पे 20 तो लगा ही दो सर, 125 में से 70 गए, तो क्या पहले 3 हटाओ, 3 हटाए तो 122 हो गया, 122 में से 70 हटा दो, सिंपल सी बात है, 2 हो गया 52 5200, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5700 4300। क्या ये टेबल अपन कंप्लीट कर पा रहे हैं, हाँ सर कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि सर हमें समझ में आ चुका है कि करना क्या है इस सेट में, ठीक है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है, आगे की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ आगे बने। इन एस, एस की बात करते हैं, तो जब एस की बात कर रहा है तो वो मास्टर टेबल की बात कर रहा है, मास्टर टेबल, अगर उसको स्पेसिफाई करना होगा ड्रॉप आउट या कंप्लीट वाला तो अलग से स्पेसिफाई करेगा। मास्टर टेबल की बात कर रहे हैं, इन एस 60% ऑफ सर्वेड किड वर इन जी, तो एस में टोटल कितने 10,000, इसके 60% किस में पढ़ते हैं जी में, तो कितना हो गया 6,000 हो गया क्या, 10,000 का 60% कितना होता है 6,000 होता है, यस सर होता है। Moreover, in S, all surveyed kids whose mother had completed primary education were in school. क्या बोला? Moreover, in S, तो S category, तो S category से तीन जगह है मेरे पास, लेकिन all surveyed kids whose mother had completed primary education, जिन्होंने primary education complete किया है, तो मतलब अपन इस table की बात कर रहे हैं। S ये रहा, जिनकी mother ने primary education complete किया, इनकी बात कर रहे हैं सर, इसमें क्या है? Completed primary were in school, तो जितने भी surveyed kids थे जिनकी मदर ने कंप्लीट की प्राइमरी एजुकेशन, वो स्कूल के अंदर है, वो स्कूल के अंदर है, तो स्कूल कौन सी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है कि सर दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। कैसे सर, इसने बोला एस के अंदर जिनकी मदर ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है, जितने भी स्टूडेंट्स को सर्वे किया है 4300 को, वो स्कूल जाते हैं, तो या फिर जी में जाएंगे या पी में जाएंगे, तो इसका मतलब ओ का मतलब क्या था, डिड नॉट गो टू स्कूल, ये लिखा हुआ है क्या सर, यस सर लिखा हुआ है, डिड नॉट गो टू स्कूल ओ का मतलब,
तो मतलब स्कूल नहीं जा रहे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। ठीक है सर, आगे की बात करें। कुछ इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है, जैसे 0 + 300 तो 300 हो जाएगा ही। कैसे सर? क्योंकि 300 + 0 300 हो चुका है। सर 6000 में गए, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3700 आएगा क्या? यस सर 3700 आएगा। यस सर और कुछ बातें बता सकते हो कि हमको? यस सर बता सकते हैं। यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 3700 है, यहाँ पे 3400 आ जाएगा। यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 5100 है, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा सर। और कुछ बताओ सर, और कुछ है सेवा? नहीं सर, अभी बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे। इन नॉर्थ ईस्ट अमंग ओकेट्स, क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट अमंग ओकेट्स 50% हैड मदर्स हु हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो ओ है, नॉर्थ ईस्ट में जो ओ है, ये जो वैल्यू है एक्स, इसके अंदर 50% कहां है जिनकी मदर ने कंप्लीट किया प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोला है? इन नॉर्थ ईस्ट अमंग द ओ किड्स, ओ किड्स 50% हैड मदर्स हु हैड ड्रॉप्ड आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। नॉर्थ ईस्ट का जो ओ है उसमें से 50% की मदर्स ने ड्रॉप आउट किया है, तो 50% की मदर ने ड्रॉप आउट नहीं किया है, उन्होंने कंप्लीट किया है। इसका मतलब सर यहां जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी क्या? यस सर, यहां जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और ओ की बात कर रहे हैं, तो उसमें कह रहा है जो नॉर्थ ईस्ट का ओ है उसमें 50% वाले जो बच्चे हैं, 50% बच्चे जो हैं वो उनकी मदर ने ड्रॉप आउट किया, तो 50% ने नहीं किया। तो यहां कितनी वैल्यू लिखोगे? यहां पे दोनों सेम वैल्यू है, अगर यहां पे 300 है तो यहां पे भी 300 ही होगा ना, 50-50%, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा सर। ठीक है, ये कितना होता है? 900 में से ये गया तो 1500। ठीक है, बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। ठीक है, ये कितना होगा? यहाँ पे 300 हो जाएगा, कितना मुझे पता है, क्योंकि टोटल 600 है। ठीक है, चलो सर आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ ईस्ट वॉज सेम एज नंबर ऑफ किड्स इन जी इन वेस्ट। जी नॉर्थ ईस्ट, तो जी नॉर्थ ईस्ट एक्स है और जी वेस्ट भी एक्स ही होगा, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो बहुत सिंपल है सर, इन तीनों का सम जो है, तो 2x + 6000 जो है वो किसके इक्वल है सर? 16500 के इक्वल है क्या? 16500 के इक्वल है क्या? तो 2x कितना हो गया? 10500 हो गया क्या? तो x की वैल्यू कितनी आई? 5250 आई क्या? यस सर 5250 आई। कितनी आई? 5250। कितनी आई? 5250। इनकी बची हुई वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या? थोड़ी देर में निकालते हैं, यहाँ की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पे 4200 में से 5250 गया तो कितना बचा? 1050। यहाँ पे कितना आएगा? 1050, क्योंकि इन दोनों का सम मिल के तो ये बन रहा है। यस सर 2500 में से 1000 गया, कितना बचा? 1500 बचा। 1500 में से 350 हटा दो, 350 हटा दो क्या सर, तो कितना आएगा? 1150 आएगा क्या? यस सर, यहाँ पे कितना आएगा? 1150। यहाँ कितना आएगा सर? सर ये 5200 है, 5200 में से 1000 हटाओ तो 4200, 4200 में से 300 हटाओ तो 3900, में से 50 हटाओ तो 3850 आएगा क्या? यस सर 3850। क्या सो वेरीफाई कर सकते हैं सर? कर तो सकते हैं सर, इन दोनों का सम 5000 आना चाहिए, 5000 आ रहा है। अब सर आगे बात करते हैं, इसका और इसका सम कितना आ रहा है? 500 + 1150 1650 यहाँ पे आ जाएगा, 1650, यहाँ पे 3850 और यहाँ पे 1900, तो ये कितना होता है? 57 ही होगा ना, हाँ 5750। पॉइंट इज क्लियर? क्लियर है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे हिसाब से तो नहीं हुई अपन से, और पूरी टेबल हमारे सामने अरेंज हो चुकी है। अब बात आती है क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से हैवी हो सकते हैं शायद, है ना, शायद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस? इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, जहाँ पे प्रॉपर सिर्फ कैलकुलेशन हुई। अरेंजमेंट मतलब डेटा का अरेंजमेंट ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी। तो एस के टोटल कितने हैं? 10,000 है। पी में कितने पढ़ रहे हैं? पी में पढ़ रहे हैं 3700, तो कितना परसेंट हो गया? 37% हो गया। ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए, 37%।
among the kids in W whose mother had completed primary education, तो primary education complete करने वाले ही है, और W मतलब कितना 5200. How many were not in school? कितने स्कूल में नहीं थे? तो W में जिनकी मदर ने कंप्लीट किया है उस स्कूल में कितने नहीं थे? तो O is not going to school मतलब 300. तो 300 क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है. ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? करें बात आगे. शैल वी प्रोसीड? यस सर, वी कैन प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर दिस. देखो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, ये फोर्थ वाले में भी है. इस बात को समझना, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इस डेटा के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे ही इसी डेटा के बाद एक डेटा आएगा सेम टू सेम, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा. इस डेटा को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. इन अ फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड्स टू ईयर्स लेटर, दो साल बाद सेम ही किड्स का डेटा चल रहा है, दो साल बाद इट वॉज फाउंड दैट ऑल किड्स वर नाउ इन स्कूल. सारे बच्चे स्कूल में आ चुके, मतलब ओ की वैल्यू कितनी हो चुकी है? जीरो हो चुकी है. ये क्या हुआ? ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ओ की वैल्यू कितनी हो चुकी है? जीरो. ओ मतलब क्या था? अदर्स वाले, क्या दोस हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल. तो ओ की वैल्यू क्या हो चुकी है? जीरो. ऑफ द किड्स हु आर नॉट इन स्कूल अर्लियर, जो ओ पहले था, इन वन रीजन 25% वर इन जी नाउ. तो मुझे बताओ, अगर कोई स्कूल में नहीं जा रहा था और अगर अब जाने लग गया, तो या तो फिर वो जी में जाएगा या पी में जाएगा, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा या प्राइवेट स्कूल में जाएगा, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा या फिर प्राइवेट स्कूल में जाएगा. तो एक ऐसा रीजन था सर. कितने रीजन है मेरे पास? तीन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ. तो एक ऐसा रीजन था जिसमें क्या था, 25% किस में गए? जी में गए. तो बच्चे में 75% किस में गए? पी में गए. वेयर एज द रेस्ट वर एनरोल्ड इन पी. इन द सेकंड रीजन, कोई दूसरा रीजन होगा. सेकंड मतलब सेकंड वाला नहीं, कोई से भी रीजन हो सकता है. ऑल सच किड्स वर इन जी नाउ. तो एक ऐसा रीजन है जिसमें 100% ही किस में चले गए थे? जी में. तो 0% कहां पे रह गए? पी में रह गए. व्हाइल इन द थर्ड रीजन, एक और रीजन था तीसरा जिसमें 50% गए दोनों में. तो जी में कितने गए? 50% गए. और पी में कितने गए? 50% गए. पॉइंट इज क्लियर? यस सर. एज अ रिजल्ट इन ऑल द थ्री रीजंस पुट टुगेदर, मतलब ये तो इंडिविजुअल रीजंस की बात हुई, अगर मैं तीनों को एक्यूमुलेट करूं, एग्रीगेट परसेंटेज निकालूं, तो 50% ऑफ किड्स हु वर अर्लियर आउट ऑफ स्कूल हैड जॉइंड जी. एंड इट वाज आल्सो सीन दैट नो सर्वेड किड हैड चेंज्ड स्कूल्स. किसी ने भी स्कूल चेंज नहीं करी है और ओवरऑल 50% आ गए. सर ये ओवरऑल टेबल मेरे सामने, ओवरऑल टेबल 2400 स्टूडेंट्स थे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे. 2400 पहले थे, कितने? 2400 पहले थे. तो मतलब अब जी में कितने आ गए होंगे? 1200 आ गए होंगे प्लस 1200. और पी में भी कितने हो गए होंगे? प्लस 1200. कैसे सर? क्योंकि जो पहले नहीं जा रहे थे 50% ओवरऑल जा चुके जी में और 50% पी में. अब मेरे पास तीन कंडीशंस है, एक तो 25% वाली, एक 100% वाली और एक 50% वाली. ये जी की बात कर रहा हूं. अब सर अपन कैसे सेटलमेंट बिठाने वाले? मतलब देखो ये कहीं ना कहीं बटेंगे, ये बच्चे दोनों इसमें बटेंगे, ये बच्चे दोनों इसमें बटेंगे, ये बच्चे दोनों इसमें बटेंगे. लेकिन सर हमें उनको डिवाइड ऐसे करना है कि यहां पे भी 1200 आ जाए, यहां पे भी 1200 आ जाए एक्स्ट्रा. और किन को यूज करना है? इन परसेंटेजेस को यूज करना है. अब सोचो मैं 1500 का तो 100% उठा नहीं सकता, और 1500 का मैं अगर कोई दूसरा पन, देखो 25% लेंगे तो ज्यादा छोटा आ जाएगा. तो लेट्स टेक कि 50% लेते हैं अपन 1500 का, तो कितना मुझे मिलेगा? 750. तो 750 बच्चे यहां चले गए, 750. ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल है, स्मार्ट अप्रोच थोड़ी सी लगानी पड़ेगी अपन को कि सर अपन 100% तो नहीं ले सकते 1500 का. ये बच्चे तो सारे के सारे यहां जा नहीं सकते क्योंकि अपन को 1200 ही भेजने, तो अपन ने 750 यहां भेज दिए, 750 यहां भेज दी. सर 750 इसको अपन को फिगर को अच्छे से कन्वर्ट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, 600 का क्या कर देते हैं? 25% करते हैं. किसका? 600 का. तो कितना मिलेगा मुझे? 150 मिलेगा. और 300 का क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 300. क्या इनका सम 1200 आ रहा है क्या सर? यस सर, इनका सम 1200 आ रहा है. इसका मतलब अपन ने सही किया है, इसका मतलब अपन ने सही किया है. तो क्या होने वाला है सर? यहाँ पे कौन सा रूल लगा? यहाँ पे 25% का रूल लगा. यहाँ पे कौन सा रूल लगा? यहाँ पे 50% का रूल लगा. यहाँ पे 100% का रूल लगा. इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? क्या बात समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझने की कोशिश करो. इतना आप लोग अब दिमाग लगाने स्टार्ट कर चुके हो कि सर ये परसेंटेजेस मुझे जी में भेजने थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा परसेंटेज किसका लेना पड़ेगा. लेकिन मुझे आइडिया लग चुका है कि कौन सा मैं हिट एंड ट्रायल से करूं कि यहाँ पर ओवरऑल बच्चे कितने आ जाए? 1200. लेकिन फॉलो मुझे क्या करनी है? ये वाली अप्रोच. तो
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट नंबर ऑफ सर्वेड किड्स नाउ वर इन जी एंड डब्ल्यू, जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू. तो 1500 का 750 यहां पे गया, तो 5250 में 750 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6000 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा. अब इधर की बात करते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेड किड्स इन एस, एस की बात कर रहे हैं, हुज मदर हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन, जिनकी मदर ने ड्रॉप आउट कर चुके हैं. तो एस और जिनकी मदर ड्रॉप आउट कर चुकी है, मतलब 5700 स्टूडेंट्स जो है ओवरऑल, इसका कितना परसेंट बच्चे जो है, क्या पूछा, आगे देखते हैं. तो ये समझ में आया, एस और टोटल ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इनकी मदर ने ड्रॉप आउट किया है. क्या करना है इनका, वर इन जी नाउ. अब जी में कितने हो चुके हैं, अब जी में कितने हो चुके हैं, मतलब जी में कितने हो चुके हैं उसका परसेंटेज निकालना है. अब स्टूडेंट्स अगर मुझे अगर यहां की पूछते आप कि यहां से क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या हुआ था, ये 300 तो यहां पे मूव कर गए थे, 300 तो यहां पे मूव कर गए थे, अपन को बताया ना 100% गए, तो 300 तो यहां पे मूव करे थे, तो यहां का परसेंटेज निकालना तो आसान है. लेकिन सर ये यहां पे कैसे गए ये मुझे नहीं पता, इन दोनों का बाइफरकेशन थोड़ी मुझे पता है, मुझे तो ओवरऑल का पता है कि ओवरऑल का 100% गए, मुझे अंदर का नहीं पता. तो क्या इसका आंसर सीएनडी होगा क्या सर, क्या इसका आंसर सीएनडी होगा क्या, नहीं. क्यों, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दो, थोड़ा बारीकी से, क्योंकि सर ये 300 बच्चे कहां गए, आगे गए, तो सर ये वही तो 300 बच्चे हैं, क्योंकि इसमें तो जीरो है ना, जिनकी मदर ने कंप्लीट किया एजुकेशन उसमें तो वैसे ही जीरो है. तो ये 300 बच्चे जो 100% इसके पास गए, वो 300 बच्चे यही तो गए होंगे, सोच पा रहे हो क्या, तो 300 बच्चे यहां पे चले गए होंगे. तो पहले 5100 थे, अब कितने हो गए, 5400. तो 5400 डिवाइडेड बाय 5700 इनटू 100, क्या इसका परसेंटेज निकालना है क्या, यस सर यही तो मुझे पूछा है. फिर से रीड करते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ सर्वेड किड्स इन एस हुज मदर हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन वर इन जी नाउ. अब जी में कितने हैं पहले से कंपैरिजन में, तो सर अब हो चुके 5400, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है, क्योंकि बच्चे कितने गए, 300 गए यहां पर 100% के हिसाब से. अगर 300 यहां पे गए तो 300 बच्चे यही तो थे, क्योंकि यहां पे तो जिनकी मदर ने कंप्लीट किया प्राइमरी एजुकेशन उसमें अदर्स में तो कोई बच्चे ही नहीं है, तो जो बच्चे जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं. तो ये कितना हो गया, 5400 हो गया अब, और टोटल कितने हैं, 5700. इसका परसेंटेज वैल्यू क्या निकालेंगे, अपन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या है, 54 डिवाइडेड बाय 57 इनटू 100. ये वाली बात ही है, ऑप्शंस काफी क्लोज है, इसलिए मैं कैलकुलेटर की मदद लेने वाला हूं ताकि अपन को आंसर फटाफट से फटाफट मिल सके. तो 54 डिवाइडेड बाय 57, 94.73 समथिंग कुछ आ रहा है. तो अपना आंसर क्या होने वाला है, 94.7 आने वाला है. इसका आंसर क्या आ रहा है, 94.73 समथिंग कुछ आ रहा है. क्लियर हुआ पॉइंट, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, दिस वॉज द पॉइंट दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक. इसीलिए दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और ये दोनों इजी थे, क्योंकि इनमें कोई कंडीशंस नहीं थी, सिर्फ सॉल्यूशन देखना था. क्लियर है पॉइंट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, और जो अपना स्कोर है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि अगर आपने ट्राई तो किया ही होगा सेट पहले अपनी तरफ से, तो अपना मार्क्स भी बता दो, अपना फीडबैक भी दे दो, अपना ओपिनियन भी शेयर कर दो, और ये भी लिख दो कि सर कैट क्रैक करने ही वाला हूं मैं, सब कुछ लिख दो. अच्छा हो जो कुछ, सब कुछ अच्छा लिखो, कुछ प्रोडक्टिव लिखो अच्छा, ताकि तुम उसे रीड करो तो तुम्हें अच्छा लगे, या मैं रीड करूं तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ यार बच्चे थोड़े अच्छे, बच्चे तो हैं अच्छे लायक. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेट के साथ, फुल तैयारी के साथ बने रहना. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.